सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, ऑलरेडी आम डिस्कशन कर सारी आपंकर अपकमिंग बीएड एंट्रेंस ऑलरेडी आम फिजिक्स टोटाली सिलेबसटा ऑलरेडी कंप्लीट कर सारी, तो केमिस्ट्री आम कंप्लीट कर दे। तो आज वीडियो आम कंप्लीट कर बायोलॉजी कंप्लीट करवा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु, आ चैनल को जदि नुआ अच्छा चैनल को एवं ही सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमें पाया। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। ये पीडीएफ फाइलटा आपण पाइबे आम टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल में आज आपको सब पीडीएफ आपको अपडेट आज मुझे करदेवि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आसतु देखा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी कहवा जी, तो बायोलॉजी मीनस आप जानते, तो बायोलॉजी टर्म, तो आ बायोलॉजी मीनिंग कौन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कौन दे ना, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट इज आम जो लाइफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मैंने सब जीवंत, तो जीवंत पदार्थ मान विषय स्टडी करा को आप दैट इज आपे जे बायोलॉजी मीनस आप कौन ना बोथ प्राणी आउ उद्भिद, तो दु जन विषय स्टडी करवा। तो आप लाइफ आउ लिविंग ऑर्गेनिज्म मान विषय स्टडी करा को सिंपल आम कौन कही था ना बायोलॉजी कही था। दैट इज बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर। तो मैंने केमी जीवन जापन करचर कौन आर फंक्शन कौन तर इवोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन आउ टैक्सोनॉमी। तो सब ये जो बायोलॉजी मीन जनरल आप मन रखिए प्राणी आउ उद्भिद मान विषय स्टडी करवा बोथ मानने आप लिविंग ऑर्गेनिज्म आउ बोथ आप प्लांट ऑर्गेनिज्म। तो दु जन विषय स्टडी करा को आम कह बायोलॉजी जानपारे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई देखु अरिस्टोटल। तो कौन कहले ना अरिस्टोटल कहले, तो अरिस्टोटल इज ऑफन कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आम जब फादर कथ कह, तो बायोलॉजी फादर किए, तो बायोलॉजी फादर होती अरिस्टोटल। पॉइंट मन रखिए, तो आप सिंपल नोट करेंगे, तो आप अरिस्टोटल होती बायोलॉजी फादर मन रेन। आसे ल्यूएनहॉक, तो ल्यूएनहॉक कथा जी कह, ल्यूएनहॉक इन्वेंटेड ए सिंपल माइक्रोस्कोप एंड स्टडी लिविंग सेल। तो आप क्वेश्चन पचार फास्ट लिविंग सेल उपर किए स्टडी करते, तो मन रखिए ल्यूएनहॉक आप फास्ट लिविंग सेल उपर स्टडी करते। डायरेक्ट आप क्वेश्चन पड़ो नेक्स्ट देला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन कहे ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनसिलिन। तो आप पेनसिलिन किए डिस्कवर करते आप पचार, तो पेनसिलिन आप किए डिस्कवर करते ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर करते। नेक्स्ट पॉइंट आपको देला कार्लोस लिनियस। तो कार्लोस लिनियस आप कौन डिस्कवर करते, तो मन रखिए कार्लोस लिनियस आप डिस्कवर करते कौन ना बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर आप डिस्कवर करते किए ना आप कार्लोस लिनियस। इंपोर्टेंट बिटा आप मन रखीदे, तो कार्लोस लिनियस आप बायोनोमियल नोमेनक्लेचर डिस्कवर करते फॉर नेमिंग प्लांट आउ एनिमल। तो आप एनिमल आउ प्लांट को नेम मान आप नामकरण करने आपणकर कार्लोस लिनियस आप कौन डिस्कवर करते, तो इंट्रोड्यूस करते बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करते। नेक्स्ट पॉइंट है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन कौन करते ना, आप थ्योरी ऑफ आपर कौन देते इवोल्यूशन देते डार्विन आप जानते, तो डार्विन आप इवोल्यूशन उपर दे। तो कहला कौन ना चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन प्रपोज द थ्योरी ऑफ आपर पांजेनसिस आउ आप टू एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस एंड ऑल्सो प्रपोज द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। आप जो इवोल्यूशन स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, तो आप सिंपल आपको जब पचारा नेचुरल सिलेक्शन आपर ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किए देते, तो सिंपल ओरिजिन ऑफ स्पेसीज आप डार्विन देते। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आइए आप ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत थर एग्जाम आपको पचार, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कथा यदि कह, तो ये आपंकर इनहेरिटेंस आपते कौन देते इनहेरिटेंस आप डिस्कवर दि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो ग्रेगर जॉन मेंडल आपर कौन करते ना इनहेरिटेंस आप फास्ट डिस्कवर करते प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। देन आसा लामार्क। तो लामार्क कौन डिस्कवर करते, तो लामार्क डिस्कार्डेड द आइडिया ऑफ आपर फिक्सिसिटी ऑफ स्पेसीज। तो स्पेसीज मानक फिक्सिसिटी उपर आइडिया फास्ट देते लामार्क देते, एटा मध्य मन रखिए। नेक्स्ट आसला लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर कथा कह, तो लुईस पाश्चर प्रपोज जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्वेश्चन पचार किए प्रपोज करते, तो आप कहे लुईस पाश्चर आप प्रपोज करते। ही अल्सो प्रपोज पाश्चराइजेशन फॉर आप स्टेरिलाइजेशन। तो आपर पाश्चराइजेशन प्रोसेस अल्सो लुईस पाश्चर आप। नेक्स्ट आसतु रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक आप असेंबल्ड ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड सेल इन कॉर्क। तो
आपर सेल किए डिस्कोर करते आपको पचार जापारती तो आपको पचार सेल किए डिस्कोर करले तो आपको कहे रॉबर्ट हुक डिस्कोर करले केमी ना आपर गोटे कॉर्क परीक्षा करकेस्कोर करते नेक्स्ट विलियम हार्वी तो विलियम हार्वी आपर ब्लड सर्कुलेसन आम बॉडी रे ब्लड सर्कुलेसन ताको किए डिस्कोर करते विलियम हार्वी तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट देला टीएच मोर्गान तो टीएच मोर्गान आपर फास्ट लेड करते फाउंडेसन अफ जीन थीओरी तो जीन थीओरी फास्ट आपर किए प्रपोज करते तो आपर टीएच मोर्गान आपर प्रपोज करते देन आसला डेविड बाल्टीमोर तो डेविड बाल्टीमोर आपर नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपर किए आपर डिस्कोर करले ना डेविड बाल्टीमोर नेक्स्ट देला चार्ल्स डार्विन तो चार्ल्स डार्विन आपड़े पढ़ले नेचुरल सिलेक्शन बाय इवोल्यूशन को ऊपर आपर देते देन आपर हिपोक्रेट्स तो हिपोक्रेट आप बहुत थर पचारे तो यहाँ आप डायरेक्टली मन रखिए तो हिपोक्रेट आपर फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन तो वेस्टर्न मेडिसिन फादर आपर किए ना हिपोक्रेट्स नेक्स्ट पॉइंट को आसतु नेक्स्ट पॉइंट आपको देला कौन ना एडवर्ड जेनर एडवर्ड जेनर कथा यदि कह तो एडवर्ड जेनर इज फेमस फॉर क्रिएटिंग द फर्स्ट इलेक्टिव वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स तो आपको पचार स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आपर किए देते तो आप कहे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आपर एडवर्ड जेनर देते जापारे तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहुए कौन कहुए एडवर्ड जेनर को आपर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहुए तो ए पॉइंट भी बहुत इंपोर्टेंट आप डायरेक्टली मार्क करेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपको देला जोसेफ आपणकर लिस्टर तो जोसेफ लिस्टर आपर कौन करते ना इज फेमस फॉर यूजिंग एंटीसेप्टिक फॉर क्लीनिंग एंड स्टेरिलाइजिंग वुंड तो आप जो जदि कौन जगार आपर क्षत सृष्टि खंडिया खबरा होगा तो आम कौन यूज करूँ एंटीसेप्टिक यूज करूँ तो आंटी जमी सेप्टिक नापी एंटीसेप्टिक यूज करूँ तो सीटा फास्ट किए आम दर्शाई कि आम एमती कट वुंड है आम एंटीसेप्टिक यूज करवा तो फास्ट ताको जोसेफ लिस्टर डिस्कवर करते जापारे देन पॉइंट है रॉबर्ट ब्राउन तो रॉबर्ट ब्राउन आपर सेल न्यूक्लियस डिस्कवर करले बहुत इंपोर्टेंट तो आम रॉबर्ट ब्राउन आपर कौन डिस्कवर करले ना सेल न्यूक्लियस डिस्कवर करते मन रहा नेक्स्ट पॉइंट को आसवा तो नेक्स्ट पॉइंट आपको देला कौन ना नेक्स्ट पॉइंट आपको देला विलियम वाटसन तो विलियम वाटसन आपर कौन डिस्कवर करते ना ना विलियम वाटसन आपर 1909 आपर इंट्रोड्यूस करते जेनेटिक टर्म जो जेनेटिक रहा तो ताको फास्ट जो टर्म टाक इंट्रोड्यूस करते फास्ट जेनेटिक टर्म टा विलियम आपर वाटसन के 1909 इंट्रोड्यूस करते नेक्स्ट पॉइंट को आसतु नेक्स्ट पॉइंट कौन दे नेक्स्ट पॉइंट आपको देला वाटसन आउ क्रिक वाटसन आउ क्रिक तो वाटसन आउ क्रिक आपंकर कौन देते ना डीएनए देते तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कौन देते डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किए देते ना वाटसन एंड क्रिक बहुत थर पचार एग्जाम नेक्स्ट इन 1866 अर्नेस्ट हकल कॉइंड द वर्ड इकोलॉजी इंपोर्टेंट तो इकोलॉजी वर्डटा 1866 अर्नेस्ट हकल नामक जड़े व्यक्ति द्वारा आपणकर फास्ट कॉइन कराइला इकोलॉजी तो पचार टर्म इकोलॉजी कॉइंड बाय तो आप डायरेक्ट करेंगे अर्नेस्ट हकल जानपारे देन है हिपोक्रेट्स आउ अरिस्टोटल तो हिपोक्रेट आउ अरिस्टोटल लेड द फाउंडेशन ऑफ इकोलॉजी तो इकोलॉजी फाउंडेशन किए मैंने आपर फाउंडेशन स्तंभ किए आपर कले तो सी हूँ आपर हिपोक्रेट्स आउ अरिस्टोटल करते किए हिपोक्रेट्स आउ अरिस्टोटल करते जापार नेक्स्ट पॉइंट आपको देला आपणकर कैमिलो गल्गी तो कैमिलो गल्गी कथा यदि कह आपर कौन डिस्कोर करते गल्गी बड़ी डिस्कोर करते कौन डिस्कोर करते गल्गी बड़ी डिस्कोर करते जानते कैमिलो गल्गी नेक्स्ट नेक्स्ट आप सलीम अली सलीम अली आपणकर बार्ड मैन ऑफ इंडिया इंपोर्टेंट मन रखिदे तो बार्ड मैन ऑफ इंडिया जब आपको पचारा कहे सलीम अली मन रेक्स्ट हूँ हर गोविंद खुराना हर गोविंद खुराना को आपर कौन कहे ना इज ए बायोकेमिस्ट हु ओन द नोबेल प्राइज 1968 तो हर गोविंद खुराना जन आपर कौन ना बायोकेमिस्ट जन जिकि 1968 नोबेल प्राइज जीति फॉर डेमोनस्ट्रेटिंग इन हाउ द न्यूक्लियोटाइड इन न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन केमी आप प्रोटीन सिंथेसिस होउची तो से रिलेटेड सी परीक्षा करके 1968 नोबेल प्राइज जीति किए ना हर गोविंद खुराना नेक्स्ट पॉइंट है सेल तो आसवा सेल को सेल विषय जानवा तो सेल विषय जब आम जाना फास्ट कहला ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कॉल्ड सेल
तो आपणकर सबु लिविंग ऑर्गेनिज्म रो स्ट्रक्चरल आउ फंक्शनल यूनिट को आमे कोन कहिदौ ना सेल बोली कहिदौ एटा तो जानिचुन समस्ते। देन रॉबर्ट हुक कॉइन द टर्म सेल, तो सेल टर्म टाक फर्स्ट कॉइन करथले किए रॉबर्ट हुक केते मसार ना 1665 दैट इज 1665 मसिया रे। देन आपण देला सेल्स आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज, टिश्यूज इनटू ऑर्गन, ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम। तो आपण कौन ना सेल आपणकर सेल बहुत ग्रुप ऑफ टिश्यू अछि, तो टिश्यू गुडा आपणकर बहुत ही ऑर्गन ने आपणर कनेक्ट हेछि। देन ऑर्गन गुडा आपणकर बहुत ही ऑर्गन सिस्टम रे कनेक्ट हेछि। नेक्स्ट पॉइंट देला स्मॉलेस्ट सेल, तो स्मॉलेस्ट सेल कथा दि कहबा माइकोप्लाज्मा होछि सबटु स्मॉलेस्ट सेल। तो एग्जाम रे पचारे तो आपणर सबटु स्मॉलेस्ट सेल होछि के माइक्रो प्लाज्मा, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। तो आपणर सबटु आइस माने हम सबटु हम जानिथिबा सिंगल सेल किए सबटु लार्जेस्ट सिंगल सेल कथा दि कहबा, तो सबटु लार्जेस्ट एग जे जानिचें ऑस्ट्रिच एग, तो सेटा एटा मध्य हूँ सी हूँ एग ऑफ ऑस्ट्रिच मन रहा। नेक्स्ट हूँ प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या कह प्रोकैरियोटिक सेल, तो मॉर्फोलॉजिकली मोस्ट प्रिमिटिव सेल, तो यहाँ हूँ गोटे प्रिमिटिव सेल। तो आप नेक्स्ट कहला इट इज विदाउट न्यूक्लियस, तो सिंपल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डिफरेंस कौन न्यूक्लियस डिफरेंस ना, तो आप जानते तो इट इज विदाउट न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल आपन जनरल जानिबे कौन न थाए ना न्यूक्लियस न थाए, कौन न थाए न्यूक्लियस न थाए विदाउट न्यूक्लियस। देन देला ए सिंगल मेम्ब्रेन सराउंडेड द सेल, तो गोटे सिंगल मेम्ब्रेनटा तो आपनर आरएस सेल को सराउंड करता है न्यूक्लियस न थाए, तो इट इज फाउंड इन। तो आपनर प्रोकैरियोटिक सेल क्यों क्यों क्षेत्र देखा जाए, गोटे बैक्टीरिया मान क्षेत्र देखा जाए, गोटे ब्लू ग्रीन आलजी मान क्षेत्र देखा जाए, आ गोटे माइकोप्लाज्मा पाखे देखा जाए कौन। तो आप यू कौन जानते, तो माइकोप्लाज्मा पाखे आप न्यूक्लियस न था। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल इन नेचर, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेनटा आपर क्या तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेनटा गोटे सेमी परमेबल। तो मेनी प्रोकैरियोटिक्स हैव आपर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड प्लाज्मिड, तो बहुत प्रोकैरियोटिक सेल अच्छा जार कि आपर कौन ना गोटे आपर छोट बा स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल अच्छे, तो से सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल को आपर प्लाज्मिड बोली कहुए, कौन कहुए प्लाज्मिड बोली कहुए। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला सेल डिविजन ओकर्स बाय फ्यूजन और बॉडी, तो आपन को सिंपल कहला तो ये आप मन रखिए। तो आप दुटा पॉइंट दरकार, गोटे आपण जो प्रोकैरियोटिक सेल रहा प्रोकैरियोटिक सेल कौन थाए ना आप न्यूक्लियस न थाए मन रखिए गोटे पॉइंट। सेकंड पॉइंट है यहाँ आपणकर क्योंठार देखा जाए ना आपण यहाँ माइक्रो प्लाज्मा क्षेत्र में देखा जाए, बैक्टेरिया पाखे देखा जाए, ब्लू ग्रीन आलजी मान क्षेत्र में देखा जाए प्रोकैरियोटिक सेल। आउ कौन मन रखिए ना आपण जो प्रोकैरियोटिक सेल आपर सेल डिविजनटा होता है कोष विभाजन होता है, सो सेल डिविजन जो होता है तो सेल डिविजनटा आपर बॉडी द्वारा होता है ना आपर फ्यूजन द्वारा होता है, बॉडी और फ्यूजन दुटा आप मन रखिपारे। नेक्स्ट पॉइंट आपन को आसा नेक्स्ट आसला प्रोकैरियोटिक परे यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल से पड़ी, तो यूकैरियोटिक सेल ऑकर्स इन ऑल प्रोटिस्ट फंजी आपणकर कौन ना प्लांट आउ एनिमल, तो आम प्लांट आउ एनिमल तो आम मान भर कौन प्रोकैरियोटिक सेल, तो सॉरी आपर यूकैरियोटिक सेल, तो आपर यूकैरियोटिक सेल कौन था न्यूक्लियस था प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस न था। तो यूकैरियोटिक सेल्स टाइपिकली कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म इट्स ऑर्गेनेल एग्जांपल हो माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स ट्रू देन आप ट्रू न्यूक्लियस है, तो सिंपल आप न्यूक्लियस एटारे थाए कौटे ना यूकैरियोटिक रे प्रोकैरियोटिक रे न थाए। नेक्स्ट पॉइंट आप सेल वाल, तो आम जब सेल वाल कह तो सेल वाल आप सेल वाल इज प्रेजेंट इन प्लांट, तो प्लांट मान क्षेत्र में सेल वाल देखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट हूँ सेल डिविजन ओकर बाय माइटोसिस एंड मियोसिस, तो आप जानते तो सेल डिविजन आपर केमी ना आइदर माइटोसिस रही था ना मियोसिस रही था, तो सेल वाल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, तो प्लांट सेल मानक गोटे यूनिक फीचर कथा कह तो सी हूँ आप सेल डिविजन सरी आप कौन ना सेल वाल, तो सेल वाल जो थाए से गोटे यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। देन कहला व्हिच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज आउ टोटल सेलुलोज एंड इज टोटाली आबसेंट इन एनिमल, तो आप सिंपल ये कौन मन रखिए ना सेल वाल भितर आप मन रखिए सिंपल सेल वाल हूँ गोटे आपंकर ओनली प्लांट मान क्षेत्र में देखा जिनसटी सेल वाल्टा क्योंठार देखा जाए ना प्लांट मान क्षेत्र में देखा गोटे यूनिक फीचर मन रख। तो सेल वाल आप कौन थाए तो सेल वाल आप प्लांट सेल आप कंटेन करता है कौन ना जो सेल वाल्टा आप सेलुलोज द्वारा तैयारी होता है केमी तैयारी होता है सेलुलोज द्वारा तैयारी होता है मन रखिए।
तो यहाँ आपंकर एनिमल सेल आबसेंट थाए तो यहाँ आप मन रखिए। नेक्स्ट पॉइंट को आसतु आप सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या कह तो सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड। तो सेल मेम्ब्रेन टा आप क्या द्वारा आप तैयारी होता है ना लिपिड द्वारा आप तैयारी होता है। तो द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। तो सेल मेम्ब्रेन कौन होता है ना सेल मेम्ब्रेन आप तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा ट्रांसपोर्ट करता है कौन ना मॉलिक्यूल को। तो विभिन्न मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है ये जो आप सेल मेम्ब्रेन दे मन रखिए। देन लाइसोजोम आर दीज आर पॉपुलरली ग्लैंड। तो आर जो सेल मेम्ब्रेन लाइसोजोम हूँ गोटे पॉपुलर ग्लैंड। तो जहाँ आप कौन कह जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को जानते पावर हाउस ऑफ सेल कहुए लाइसोजोम को जानते आप सुइसाइडल बैग कह जाए कौन कह जाए सुइसाइडल बैग कह जाए मन रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम पचारे। नेक्स्ट पॉइंट आपको देला न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या देखा तो न्यूक्लियस क्या कह तो न्यूक्लियस इट इज द सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल एंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस आपर सब यूकैरियोटिक सेल देखा जाए प्रोकैरियोटिक सेल देखा जाए ना कंपलसरी सब यूकैरियोटिक सेल देखा जाए। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियन। तो आप जो न्यूक्लियस रहा तो आपटा न्यूक्लियस थाए दे रॉबर्ट ब्राउन नेम्ड न्यूक्लियस। तो आपर फास्ट न्यूक्लियस को किए नेम करते तो मन रखिए न्यूक्लियस को आपर रॉबर्ट ब्राउन आपणकर नेमिंग करते जापरती। तो नेक्स्ट आसा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कथा जी आम कह तो यहाँ आप पावर हाउस ऑफ सेल बोली कहुए जानते। नेक्स्ट हूँ आप देखु तो नेक्स्ट हूँ सम ह्यूमन बॉडी डिसऑर्डर। तो आप किसी ह्यूमन बॉडी डिसऑर्डर दे तो ये आम देखिए देखते यहाँ तो जेनेटिक देखा। तो जेनेटिक तो जेनेटिक आप जानते तो जेनेटिक फादर आप पढ़ले एवं तो आप जेनेटिक आम जब कह तो आप ग्रेगर जोहान मेंडेल को आप फादर बोली कहुए। स्टडी ऑफ जीन को आम जेनेटिक बोली कही थो डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ो स्टडी ऑफ जीन तो आप जेनेटिक कही थो। जीन कहले आम कौन बुझा ना इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन हूँ गोटे कौन ना डीएनए रोटे सेगमेंट एंड बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो हेरिडिटी बेसिक यूनिट क्या कह तो हेरिडिटी बेसिक यूनिट हूँ जीन। तो दीज आर लोकेटेड इन क्रोमोजोम। ये जो जीन रहा तो ये आप क्रोमोजोम गोटे देखा जाए क्रोमोजोम कथा कह के जोड़ा ना 23 जोड़ा मन रखिए। तो 23 जोड़ा मीन 46 मन रहा। नेक्स्ट पॉइंट तो डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस। तो डीएनए आप क्योंठ देखा जाए न्यूक्लियस देखा जाए। तो एंड अल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो डीएनए मैंने आम माइटोकॉन्ड्रिया पाई थाउ क्लोरोप्लास्ट पाई थाउ। तो आप डीएनए फुल फॉर्म कथा यदि कह समेत जानते तो आप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जानते। नेक्स्ट तो डीएनए कथा यदि कह हूँ डबल हेलिक्स डबल स्टैंडर्ड किए डिस्कवर करेंगे ना वाटसन आउ क्रिक्स आपड़ डिस्कवर करते। तो डीएनए कथा यदि कह इन कनसीस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेस एडेनाइन थायमिन साइटोसिन आ गुआनाइन। तो आप जो डीएनए टा तो आप क्यों क्यों बेस समय गठित होता है तो आम बहुत थोड़ा डिस्कसन करूँ थायमिन एडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन एति आउ पांचटा कार्बन सुगार दैट इज पेंटोज सुगार एंड आपणकर सॉरी एटा होची 5 कार्बन सुगार मीन्स पेंटोज सुगार आउ होची आपणकर फॉस्फेट मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दैट इज आम जब कह सिंपल डीएनए होची आपणकर कौन ना गोटे होची नाइट्रोजनस बेस पेंटोज सुगार आउ आपणकर फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देन आसला आरएनए। तो आरएनए को कह राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपणकर एटा होची डीऑक्सी एटा खाली राइबो। तो आप यहाँ कनसीस्ट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हूँ डबल हेलिक्स एटा हूँ सिंगल हेलिक्स बट इज सिंगल स्टैंडर्ड। तो ये कहला इट कनसीस्ट ऑफ फॉस्फेट राइबो सुगर नाइट्रोजनस बेस। तो आपर आरएनटा एटा आप फॉस्फेट थाए राइबो सुगर थाए देन नाइट्रोजनस बेस थाए कि ये जो आप नाइट्रोजन बेस थाए तो आप डीएनए देखिए एडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन थायमिन। तो ये कि आरएनए रे तो जस्ट गोटे आप चेंजेस होता है जेटा हूँ कौन ना थायमिन। तो आप आरएनए रे थायमिन न थाए तो थायमिन जगह आप यूरासिल थाए बहुत थोड़े एग्जाम ये पचारे। नेक्स्ट देला आपणकर मेंडेल। तो मेंडेल कंस्ट्रक्टेड क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट अन ग्रीन पी प्लांट। तो आप जो ग्रेगर जोहान मेंडेल तो आप जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तो से क्यों प्रकार आपणकर प्लांट उपरे परीक्षा करते तो मन रखिए से आपण पी प्लांट मटर गछ उपरे परीक्षा करते पी प्लांट मन रखिए। तो पी प्लांट जब कह से हूँ पाइसम साटिभम ये पॉइंट आप पूरा नोट करके रखिए। नेक्स्ट देला आपण म्यूटेशन। म्यूटेशन जदि आम कह तो सडन चेंज इन द सिक्वेन्स ऑफ डीएनए इज नोन एज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन मीनस हूँ किसी चेंजेस जदि डीएनए किसी चेंजेस हो गला तो डीएनए किसी हटात चेंजेस होगा। म्यूटेशन मीनस डीएनए जब सडन किसी चेंजेस होगा तो आम कह म्यूटेशन हो गला।
तो देन आसुच्छे सेक्स डिटर्मिनेसन केमी आम केमी जाना लिंग केमी आम जाना तो आप सिंपल कहे सेक्स डिटर्मिनेसन केमी आम जाना तो आपंकर एक्स एंड वाई आर द सेक्स क्रोमोजोम तो आम डीटा क्रोमोजोम अच्छे गोटे हूँ एक्स आ गोटे हूँ वाई तो ह्विच रेस्पन्सिबल फर डिटर्मिनेसन अफ सेक्स तो सेक्स डिटर्मिनेसन एक्स आई क्रोमोजोम दुटा आप रेस्पन्सिबल तो 46 क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी जानते मैंने आपर छयासटापर 23 जोड़ा देन इन ह्विच 22 पेयर्स ऑफ दिज आर ऑटोजोम तो आम जानू जो आम जो छयासटा रहा तो छयासटा हूँ आपर क्रोमोजोम जो थे कि 23 जोड़ा हूँ क्रोमोजोम आम कहीपर आउ जदि आम कह 44 ऑटोजोम अच्छी आउ 22 जोड़ा कहीपर देखो तो आपर 22 पेयर और 44 आपर ऑटोजोम थाए तो आप देखो आप जो रहा तो आपंकर जो 23 जोड़ा जो रहा तो सी हूँ आप कौन ना सेक्स क्रोमोजोम दैट इज एक्स आउ वाई तो देन आस जेनेटिक डिजर्डर सो आप जेनेटिक डिजर्डर के आम जाना तो इट इज कॉज ड्यू टू द अबनॉर्मालिटी इन एन इंडिविजुअल आपंकर डीएनए तो इंडिविजुअल डीएनए रे कौन केमी अबनॉर्मालिटी रोज कि फॉल्ट रोज तो से फॉल्ट्रु से फॉल्ट को आम कही कौन जेनेटिक डिजर्डर कही था कौन कही था जेनेटिक डिजर्डर कही था तो देखो सम ह्यूमन बॉडी डिजर्डर आम ह्यूमन बॉडी रे होता के जेनेटिक डिजर्डर देखो गोटे आपर साइस्टिक फिब्रियोसिस साइस्टिक फिब्रियोसिस कथा कह तो यहाँ हूँ गोटे म्यूकस क्लॉन्ग लंग्स तो आपंकर लिवर पानक्रिया तो आपर सिम्टम्स है तो ये जो रोग जदि है साइस्टिक फिब्रियोसिस तो यहाँ जी है आपर कौन लंग्स को अफेक्ट कर लिवर को अफेक्ट कर पानक्रियाज को आपर अफेक्ट कर तो डिफेक्ट कौन देखा ना फेल्योर अफ आपर क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट मेकानिज्म तो आप आम बॉडी रे तो जो क्लोराइड आयन रहा तार फॉर्मेशन टोटली हेनी पूरा स्टॉप करदे जानपरले जदि नेक्स्ट आप डिजीज देला सिकल सेल एनीमिया तो सिकल सेल एनीमिया जब देखा जाए तो सी पूरा आपर ब्लड सर्कुलेशन को पूरा आपर कौन कर पूरा आपर कमेद पुअर करदेव देन आम डिफेक्ट जो देखा एबनॉर्मल हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल तो आप जो हिमोग्लोबिन आम बॉडी रहा दैट इज जो ऑक्सीजन आप जो बॉडी फ्लो कर बहुत एबनॉर्मल हो तादर किसी आप तार किसी आम कौन पाइबानी तार किसी लाइन लेंथ रही पूरा एबनॉर्मल हो देन आपर नॉर्मल हिमोग्लोबिन जो रहा से आपर कौन आइदर इनक्रीज हो डिक्रीज होमती एबनॉर्मल रेन हो टेसेज डिजीज तो टेसेज डिजीज कथा कह तो ये आपर सिम्टम है आपर डिटोरिएशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन इनफेंसी देन डिफेक्ट होची आपर डिफेक्टिव एंजाइम तो एंजाइम रे आपर कौन ना आपर कि डिफेक्ट देखा देन हो फिनाइल केटोनिया तो आपर एटा हूँ कौन ना ब्रेन फेल्स टू डेवलप इन इनफेंसी तो आपर ब्रेन फेल्युअर हो ब्रेन आपर कौन हो आपर काम कर नेक्स्ट हूँ आहरी आपन को देखिए हिमोफिलिया बहुत इंपोर्टेंट तो हिमोफिलिया हिमो फिलिया जी कह बहुत आपंकर कौन ना जेनेटिक डिजर्डर इंपोर्टेंट तो आप सिंपल ब्लड फॉल्स टू क्लॉट मैंने आपर ब्लड क्लॉट हो जाए तो आपंकर देन डिफेक्ट आपंकर डिफेक्टिव ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जोटा होटा कौन रेस्पॉन्सिबल कौन पाई ब्लड क्लॉटिंग नेक्स्ट हूँ आपर नेक्स्ट आपको चाहिए पढ़ी पारे नेक्स्ट आपटा भी चाहिए पढ़ी पारे मुझे आपको प्रोवाइड करदेवि यू आप चाहिए पढ़ी पारे नेक्स्ट आप डायरेक्टली देखते ब्लड ग्रुप तो ब्लड ग्रुप को जी तो ब्लड ग्रुप कथा यदि कह कार्ल लैंडस्टाइन आप डिस्कवर करते के मसीह ना 1990 1990 मसीह डिस्कवर करते ब्लड ग्रुप तो आपर देर आर फोर ग्रुप्स जोड़ा हूँ ब्लड ग्रुप गोटे ए गोटे बी गोटे एबी आ गोटे ओ जदि फास्ट यूनिवर्सल ब्लड डोनर कथ कह तो आप जानते ओ ब्लड ग्रुप बाला होती कौन आपर यूनिवर्सल ब्लड डोनर दैट इज कैन गिव ब्लड टू ऑल माने आम जदि देखा ए ब्लड ग्रुप बाला बोथ सॉरी आपर ओ ब्लड ग्रुप बाला तो आप समस्त ब्लड दे पारे डोनेट टू यूनिवर्सल ब्लड डोनर जानपरले देन आस यूनिवर्सल ब्लड आसेप्टर तो आसेप्टर किए तो आसेप्टर हूँ एबी तो आप एबी कौन कर समस्त ब्लड नहीं पार कि आपंकर केवल दे पार क्या ना से एबी वाला एबी क्या देपर ना कैन टेक् ब्लड फ्रम ऑल फोर ग्रुप्स तो आप एबी ब्लड ग्रुप हूँ समस्त नहीं पार कि दब क्या ना केवल एबी वाला मन रखे नेक्स्ट नेक्स्ट हूँ आपर प्लांट साइकोलॉजी तो सॉरी आप प्लांट फिजियोलॉजी सॉरी प्लांट फिजियोलॉजी तो प्लांट फिजियोलॉजी कथा देखिए आपर फोटोसिंथेसिस फर्स्ट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस जानते तो इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट टेक्स देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर तो फोटोसिंथेसिस माने कौन ना आपंकर गच्छ तार खाद्य प्रस्तुत कर सहायता ना
ଆପଣଙ୍କର ତା ପତ୍ର ପତ୍ର ତ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଜେନେରାଲ କରିଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହାୟତାରେ କରିବ ନା ବାଇ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର ଆଉ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ମଲିକୁଲର ସହାୟତାରେ ତା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସିମ୍ପଲି ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ହେଲା ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ୱାଟର ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଆଉ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କର ସେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଏଇଟା ହେଲା ତା ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେନ୍ ଆସୁଛି ରେସ୍ପିରେସନ୍ ତ ରେସ୍ପିରେସନ୍ କାହାକୁ ହେଲା ତ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ହେଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅକର୍ସ ଇନ୍ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟେପ୍ସ ତ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅକର୍ ଇନ୍ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟେପ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ଲାଇକୋସିଲିସିସ୍ ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ବସ୍ ସାଇକେଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ଇଟ୍ ଅକର୍ସ ଇନ୍ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ ସାଇକେଲ୍ ଇନ୍ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ରହିଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଜେନେରାଲି କେଉଁଠି ନା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ରେ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ହୋଇଥାଏ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଦେନ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଉଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ତ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଲସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ତ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଉଛି ୱାଟର୍ଟା ଲସ୍ ହେବ କେଉଁ ଆକାରରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର୍ ଭେପର୍ ଆକାରରେ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଏ ସ୍ମଲ୍ ପୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୋମାଟୋ ତ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଉଛି ୱାଟର୍ଟା ଲସ୍ ହେବ କାହାଦ୍ୱାରା ନା ୱାଟର୍ ଭେପର୍ ଆକାରରେ କେମିତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟୋମାଟୋର ସ୍ମଲ୍ ପୋର୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହେବ ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ବୋଲି କହିବା ମନେ ରଖିବେ ଦେନ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅପ୍ଟେନ୍ସ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ସଏଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ସ ଆଉ ସଲ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଲେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସଏଲ୍ ମାଟିରୁ ତ ନାଇଟ୍ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ସ ତ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ସ ଆକାରରେ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ସ ଆକାରରେ ଆଉ ସଲ୍ଟ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ତ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦେଇଛି ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଭିଟାମିନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ ବଡ଼ି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ିର ଭିଟାମିନ୍ ରହିଲା ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଭିଟାମିନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିଟାମିନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଡି ଇ କେ ଗୋଟେ ହେଲା ଏ ଡି ଇ କେ ତ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଆକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାଟ୍ ସଲ୍ୟୁବଲ୍ କ'ଣ କହିଥାଉ ଫ୍ୟାଟ୍ ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ଆଉ ୱାଟର୍ ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ହେଲା କିଏ ବାକି ରହିଲା ବି ସି ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ୱାଟର୍ ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଯଦି କହିବା ବିର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥାଏ ତ ଏଇଟା ଆପଣ ରହିଲା ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତ ବି ୱାନ୍ ତ ବି ୱାନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି କହିବା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଥାୟାମିନ୍ କ'ଣ ତା ନାଁ ଥାୟାମିନ୍ ତ ଥାୟାମିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଥାୟାମିନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ଆପଣଙ୍କର ବେରିବେରି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଥାୟାମିନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ବେରିବେରି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ମଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ରୁ ବି ଟୁ କଥା ଯଦି କହିବା ରିବୋଫ୍ଲାଭିନ୍ ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ରାଇବ୍ଲୋଫ୍ଲାଭିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସ୍କିନ୍ ଆଉ ଆଇ ଡିଜର୍ଡର୍ ଦେଖାଇଥାଏ କ'ଣ ଡିଜର୍ଡର୍ ଦେଖାଇଥାଏ ସ୍କିନ୍ ଆଉ ଆଇ ଡିଜର୍ଡର୍ ଦେଖାଇଥାଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଭିଟାମିନ୍ ବି ଟୁଏଲ୍ଭ ତ ବି ଟୁଏଲ୍ଭ କଥା ଯଦି କହିବା ସିଆଲୋକୋବାନାମିନ୍ ତ ଆପଣ ଆ ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆନିମିଆ ହୋଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବି ଫାଇଭ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଫାଇଭକୁ ଆମେ ନିକୋଟିନିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ନିଆସିନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ନିକୋଟିନିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ନିଆସିନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ତ ବି ଫାଇଭର ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଲେଗ୍ରା ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପେଲେଗ୍ରା ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯାହା ନାଁ କ'ଣ ନା ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଏସିଡ୍ ତ ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କର୍ବି ହୋଇଥାଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମନେ ରଖିବେ ସ୍କର୍ବି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ତ ଏ କଥା ଯଦି କହିବା ଏ ନାଁ ହେଉଛି ରେଟିନଲ୍ ତ ଏର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଜେରୋଥାଲାମିଆ ବା ନାଇଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ତ ଏ ଆପଣଙ୍କର ନାଇଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ମନେ ରଖିବେ ଜେରୋଥାଲାମିଆଟା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଲାଇଟ୍ ତ ଆପଣଙ୍କ ରଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଜେରୋଥାଲାମିଆ ନେକ୍ସଟ ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ତ ଭିଟାମିନ୍ ଡି କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଡି ନାଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲସିଫେରଲ୍ ବା କ୍ଲୋରେକା ସିଫେରଲ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ କହିବେ କ୍ୟାଲସିଫେରଲ୍ ହିଁ ଆପଣ କହିବେ ତ କ୍ୟାଲସିଫେରଲ୍ ତା ଅଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରିକେଟ୍ସ ହୋଇଥାଏ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଇ କଥା ଯଦି କହିବା ଇ ନାଁ ହେଉଛି ଟୋକୋଫେରଲ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇର ଅଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ଟିଲିଟି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ଦେନ୍ ଆସନ୍ତୁ କେ ତ କେ ଭିଟାମିନ୍ କେ ଯଦି କହିବା ଫାଇଲୋକ୍ୱିନନ୍ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଫାଇଲୋକ୍ୱିନନ୍ ତ ଆ ଅଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପସିବୁଲ୍ ହିମୋରେଜ୍ କହିଥାଏ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପସିବୁଲ୍ ହିମୋରେଜ୍ ହୋଇଥାଏ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତା'ର ମାନେ ଆପଣ ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ଲଟିଂର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜିଜ୍ ହେଉ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଭିଟାମିନ୍ କେ ଅଭାବରେ ତ ଏତିକି ଯାଏଁ ଓଭରାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ
तो नेक्स्ट आम डिस्कसन करवा देखो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पाखु आउ दुटा पॉइंट आप मन रखिए ये कौन ना आप जो रहा आपणर मारास्मस युवा हूँ प्रोटीन डेफिशिएंसी तो मारास्मस इज आपणकर प्रोड्यूस्ड बाय द साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन आउ क्लोराइड तो सिंपल प्रोटीन आउ कैलोरी डेफिशिएंसी रु आपणकर क्यों रोग होता है तो प्रोटीन डेफिशिएंसी आपणकर कावासिक डिजीज होता है आउ आपणर मारास्मस होता है डायरेक्ट मन रखिए मारास्मस आउ कावासिक प्रोटीन डेफिशिएंसी रु आपणर होता है तो ये आप जनरली ये जो डिजीज दुटा रहा है यहाँ आप प्रोटीन अभाव रही है तो आपको एग्जाम डायरेक्टली पचार कावासिक डिजे व्हिच टाइप ऑफ डिजीज तो सी हूँ आपर गोटे कौन टाइप प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज मन रखिए तो मारास्मस भी जब पचारा तो सी भी हूँ आपर से टाइप डिजीज तो देन आसतु आम मेन पार्ट जो आसा आप रेस्पिरेटरी सिस्टम तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहला द ऑर्गन सिस्टम व्हिच एट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन जानते सो आप जो कौन ना श्वासक्रिया तो आप जो ऑर्गन सब आप श्वासक्रिया सामिल होता है तो आप कहीपर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कही था नेक्स्ट तो नेक्स्ट देला रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स तो आम जब देखा तो आप विभिन्न प्रकार एनिमल अच्छा तो आप विभिन्न प्रकार आपणकर कौन ना विभिन्न प्रकार सिस्टम द्वारा ऑर्गन द्वारा तो आप रेस्पिरेशन करता तो से ऑर्गन मानक आज आम जाना तो फास्ट रहा आप लंग्स तो लंग्स कथा यदि कहवा लंग्स द्वारा आपंकर मामाल मैंने करता आउ आपर बार्स मैंने करता रेप्टाइल्स मैंने करता आउ आम्फीबियन मैंने करता नेक्स्ट हूँ गिल तो गिल जदि कह तो गिल आपर फिश करें देन आपर क्राब जो मैंने कंकड़ा रही देन आपर टैडपोल लार्वा और फ्रग बोली कहीपर तो आपको पचार फ्रग के आप श्वासक्रिय करता है तो सी हूँ गिल देन आपर सरी ये जो लार्वा मैंने आपर जो टैडपोल आपर फ्रग्र जो लार्वाटा तो आपटा हूँ गिल द्वारा करता है देन फिश भी गिल द्वारा करता है देन क्राब गिल द्वारा करता है नेक्स्ट नेक्स्ट हूँ स्किन तो स्किन द्वारा किए श्वासक्रिया करता है तो सी हूँ आप आर्थवर्म लीज आम्फीबियन तो आम्फीबियन मैंने आपंकर बहुत आप लंग्स द्वारा करता स्किन द्वारा करता नेक्स्ट हूँ आपणकर नेक्स्ट आसा कौन ना ट्राचिया तो ट्राचिया द्वारा आपंकर इनसेक्ट मैंने करता ट्राचिया द्वारा आपंकर इनसेक्ट मैंने करता मन रखिए नेक्स्ट हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो फास्ट अफ अल कौन कहला देखु तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कनसीस्ट अफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स नाजल काविटी देन आपसो फारेनक्स देन आपंकर लारनक्स देन हूँ ट्राइचा देन हूँ आपणकर ब्रोनकिलो एंड लंग्स तो आपंकर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जब कह तो ये जिनस कंटेन करता है नेक्स्ट हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कनसीस्ट अफ एक्सटर्नाल नोस्ट्रिल्स नाजल काविटी आपणकर यहाँ आप तो जानले ये आपड़ा कंटेन करता है नेक्स्ट हूँ आप देखते जदि आम कह नाजल काविटी आप क्यों थाए तो नाजल काविटी देखूँ तो नाजल काविटी हूँ ये आप नाजल काविटी थाए ये हूँ नाजल काविटी ये थाए देन आम जदि कह लारनक्सटा आपंकर कौट थाए ना लारनक्सटा आप टाइप ये थाए आप कौन ना आप थ्रोट पाखे थाए नेक्स्ट हूँ विंड पाइप तो आपंड पाइप आप ट्राचिया जहाँ कौन तो सीटा हूँ आपटा ये जो आप ट्राकटा तो यही आम कही था नेक्स्ट हूँ आप जो रहा लोब्स अफ लंग्स तो लोब्स अफ लंग्स हूँ यहाँ हूँ लंग्र लोब तो ये आप डायरेक्टली फिगर दे दीजिए देन हूँ आपंकर ब्रोनकियाल आपर ब्रोनसीआल ट्री जोटा आप कहींपर आलभेली आर हिअर तो आप आलभेली थाए नेक्स्ट नेक्स्ट आसतु नेक्स्ट हूँ ट्रांसपोर्ट अफ गैस तो आप बडी केमी गैस ट्रांसपोर्ट होता है तो से विषय पढ़ा तो फास्ट पॉइंट देला 97% अफ अक्सीजेन इन ट्रांसपोर्टेड फ्रम दि लंग्स टू द टीस्यू इन द कम्बेसन विथ हिमोग्लोबिन तो 97% आम जो बडी अक्सीजेन रहा तो आप ट्रांसपोर्ट होता है केमी ना लंग्स देखिए टू द टीस्यूज इन द कम्बेसन विथ हिमोग्लोबिन तो कम्बिन मैंने आपर हिमोग्लोबिन सहित तो आप जेनेली आम जानते हिमोग्लोबिन कौन ना आप ब्लड क्यारि कर अक्सीजेनटा जेनेली तो हिमोग्लोबिनटा आप जेनेली अक्सीजेन सहित मैंने आप अक्सीजेनटा हिमोग्लोबिन सहित मिसिके जेनेली आम बडी ट्रांसपोर्ट होता है तो नेक्स्ट देला देखु तो नेक्स्ट है 3% ट्रांस आम यहाँ गला 97% देन रेस्ट जो 3% रहा इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजल्व कंडीशन बाय द प्लाज्मा आज 3% रहा तो ये आप प्लाज्मा द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है नेक्स्ट नेक्स्ट हूँ देयर आर 3 ways ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जानले देन कार्बन डाइऑक्साइड केमी आम बॉडी ट्रांसपोर्ट होता है तीन टा वे होता है तो 5-7% अप्रोक्सीमेटली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बीइंग डिजॉल्व इन द प्लाज्मा ब्लड तो ब्लड जो प्लाज्मा
तो ब्लड प्लाज्मा रे आपणकर कोन ना 5-7% आपणकर अप्रोक्सीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड आपणकर माने कोन ना ट्रांसपोर्ट हेते हम बॉडी रे। नेक्स्ट होजी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म, तो जितेबाला कार्बन डाइऑक्साइड हम वाटर सहित रिएक्शन करिवो तो सी कोन फॉर्मेशन करिवो ना सी ओटा कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन करिवो H2CO3 बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो प्रेजेन्स का प्रेजेन्स आपड़ा फॉर्मेशन कर कार्बोनिक एसिड ना कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेन्स आपरी कर तो प्रेजेन्ट इन RBC जोटा कि आपड़ा RBC प्रेजेन्ट थाए आपर। नेक्स्ट देला कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ आमीन रेडिकल दैट इज NH2 ऑफ हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एंड फॉर्म्स ए कार्बन आपर कार्बामिनो हिमोग्लोबिन दैट इज HBCO2। नेक्स्ट देला आपड़ देला नियरली 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस मोड, तो आपड़ा जेनेली 23% कार्बन डाइऑक्साइड ए टाइप आपर कौन ना ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट आसो सर्कुलरी सिस्टम, तो आम केमी कौन सर्कुलेटरी सिस्टम रोचे तो आम से विषय पढ़ा। तो दिज आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आउ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, दि टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम रहा है। गोटे है फास्ट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन दे जेनेली प्रेजेंट इन आपणकर कौन ना आर्थ्रोपोड एंड आपणकर मोलुस्क, तो आप जेनेली जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टमटा आर्थ्रोपोड्स आपर मोलुस्का मान क्षेत्र में देखा जाए। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कथा यदि कहवा तो आपर एनिलिडा आपर आ कौन ना क्रोडाटा आपर ए दुटा क्षेत्र में देखा जाए हाव ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हूँ हार्ट बीट एंड पल्स, तो ये आप गोटे कथा मन रखिए तो ह्यूमन हार्ट बीट आट दि रेट ऑफ अबाउट 72-80 पर मिनिट, तो आपर जदि बॉडीटा रेस्ट कंडीशन में अच्छी तो आम रेस्ट कंडीशन में बॉडी 72-80 पर मिनिट आपर कौन हो ना आपर ह्यूमन हार्ट बीट चलती, तो आम कहपर पर मिनिट ह्यूमन हार्ट बीट कथा यदि कहवा तो आप आप्रोक्सीमेटली 72-80 पर मिनिट मन रही है, तो आपको एग्जाम पचारे यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट देला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहले कौन बुझा जोटा सर्ट फर्म ECG बोली कह जाए, तो इट इज द ग्राफिक रेकर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय द एक्साइटेशन ऑफ कार्डियक मसल, तो आम कार्डियक मसल विभिन्न प्रकार आम परीक्षा करने तो जनरली ये प्रोसेसटा यूज कराई थाए। नेक्स्ट हूँ एक्सक्रिएशन, तो एक्सक्रिएशन कथा कहवा ये आपको क्वेश्चन पचारे तो एक्सक्रिएशन कथा कहवा इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम बॉडी, तो आम बॉडी जोटा कि आपंकर अदरकारी पदार्थ आपरेंगे जोटा डाइजेस्ट हो पार ना, तो सैटा हूँ अदरकारी, तो अदरकारी पदार्थर रिलीज प्रोसेस को आम एक्सक्रिएशन बोली कही दूँ। नेक्स्ट पॉइंट देला पॉइंट को आस नेक्स्ट पॉइंट देला किडनी प्लेज ए मेजर रोल इन द एलिमिनेशन ऑफ वाटर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो आम जो यूरिन फॉर्मेशन हमारे तो आपर किडनी गोटे आपर वाइटल रोल थाए, तो आम जी वाटर वेस्ट रहा जोटा कि हूँ आप वेस्ट मटेरियल, तो किडनी कौन करता है यूरीन आकार में आम बॉडी बाहर करता है, तो जनरली तो वाटर वेस्ट को आपर किडनी कौन करता है ना यूरीन आकार में बॉडी बाहर करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखा यूरीन कंटेंट अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड, तो यूरीन आपर कौन प्रेजेंट थाए ना अमोनिया थाए यूरिया थाए यूरिक एसिड इत्यादि थाए। नेक्स्ट देला ह्यूमन स्केलेटन, तो आपको यहाँ देती तो टोटाली बोन कथ कह 206 खंड थाए, मसल कथ कह 639 अप्रोक्सीमेटली जदि आप पूरा पेयरिंग करदे 640 नहीं करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हूँ आपको देला एक्सेल स्केलेटन, तो स्केलेटन ह्यूमन स्केलेटन एवं देती तो यहाँ को आम देखा नहीं। नेक्स्ट आम देखा तो टोटाल देखु टोटाल आम जो देखा आपणकर नेक्स्ट तो यहाँ आपची टोटाल पूरा डिटेल स्केलेटन सहित आपची, तो आप चाहिए यहाँ को पूरा डिटेल्स पढ़ी पारे मुझे प्रोवाइड करदेवि। नेक्स्ट देखा आम तो नेक्स्ट देखते यूँ आम देखा इंपोर्टेंट फैक्ट ऑफ यहाँ देखा, तो यहाँ आपको गोटे रू दुटा क्वेश्चन यूँ आप जाए पाइबे गोटे रू दुटा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो देला आम जब देखा आम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी रे तो ब्लड वॉल्यूम के नॉर्मल ह्यूमन बॉडी रे ब्लड वॉल्यूम जानते 5.5 लीटर बा जनरली आपन कहिबे तो 5 लीटर ही आपको जेनेल पचारे जदि गोटे नॉर्मल ह्यूमन कथा देखा तो 5 लीटर 70 kg ह्यूमन आपन दे 70 kg बॉडी रे। नेक्स्ट देला ब्लड प्लेटलेट, तो आम जब देखा ब्लड प्लेटलेट के तो यहाँ हूँ आपणकर देखते एतिक तो आप देखीदेव यहाँ। नेक्स्ट हूँ ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम हूँ पाखापाखि 2-5 मिनट। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ब्लड डोनर, तो आम यूनिवर्सल ब्लड डोनर हूँ किए ना ओ नेगेटिव जनरली कहुए ओ ब्लड ग्रुप आप जनरली कहे। नेक्स्ट यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर, तो एक्सेप्टर हूँ AB। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट बोन, तो डिस्कशन करचे थाई बोन बा फीमर। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट बोन, टॉलेस्ट बोन है स्टेप्स बा आपर इयर बोन। नेक्स्ट
नेक्स्ट है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आप जानते 98.6 डिग्री फारेनहाइट बा 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपर ये फारेनहाइट बा 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देला वेट ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन रो वेट आपको पचार तो 1424 जनरली मन रखिए वेट ऑफ ब्रेन हो 1424 शॉर्ट फॉर्म रे 1424 ग्राम आप डायरेक्टली मन रखिए। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो बोन पचारे 206 करेंगे आप मसल पचारे 639 करेंगे। नेक्स्ट डब्ल्यू बी सी जी कह तो आपंकर जेनराली देखते के 5000-7000 क्यूबिक मिलीमीटर। नेक्स्ट नेक्स्ट देला आरबीसी। तो आरबीसी हूँ 5 रु आपंकर कौन ना आपंकर तो आप फास्ट स्टार्ट होना 5 रु। नेक्स्ट तो जेनराली नेक्स्ट देला लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। सबुठ लार्जेस्ट मसल गोडाम ह्यूमन बॉडी रे तो मसल जदि पचारा तो सेटा होची बुटक मसल कह ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट देला लार्जेस्ट ऑर्गन। तो लार्जेस्ट ऑर्गन जदि पचारा कहे स्किन। नेक्स्ट होची लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड एटा आपन पचारे इंपोर्टेंट आपन लिखंतु तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हेले थायरॉइड ग्लैंड। नेक्स्ट होची मेनो आपनर मेनोपॉज टाइम। तो मेनोपॉज एज होची 40-50 ईयर होची आपनकर कोन ना मेनोपॉज टाइम। नेक्स्ट होची मिनिमम रीजेनरेशन पावर। तो सबटु रीजेनरेशन पावर मिनिमम कार तो से होची ब्रेन रो। थिनेस्ट स्किन किए ना आपनर कंजक्टिव आपनर कंजक्टिवा। नेक्स्ट होची नंबर ऑफ सेल इन बॉडी। तो बॉडी रे केते सेल अछंती तो से होची 75 ट्रिलियन। नेक्स्ट हिमोग्लोबिन कंटेंट इन बॉडी। तो आम डिस्कशन कर बहुत तरह हिमोग्लोबिन कंटेंट नॉर्मली तो जब देखा 12-17 ग्राम आपनर पर डेसिलिटर। जदि आम देखिए जन मेल क्षेत्र में 12-15 ग्राम जदि आम देखिए जन फीमेल क्षेत्र में। तो जदि मेल क्षेत्र में देखा 12-17 ग्राम पर डेसिलिटर। जदि आम फीमेल क्या देखा 12-15 ग्राम पर डेसिलिटर फीमेल। जदि आम गोटे न्यू बॉर्न आम जन बेबी कथा देखा तो सी हूँ 14-24 देखा जाए ग्राम पर डेसिलिटर। चाइल्ड कथा देखा तो चाइल्ड हेल्ला 11-16 डेसिलिटर। नेक्स्ट नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो आप बहुत थर पचारे एग्जाम नॉर्मल ब्लड प्रेशर हूँ 120/80 mmHg। नेक्स्ट है नॉर्मल पल्स रेट। तो नॉर्मल पल्स रेट ए जान ले तो 72-80 तो 72 मिनिट पर मिनिट आप करेंगे। नेक्स्ट हूँ ब्रेथिंग रेट। तो ब्रेथिंग रेट जदि कह 16-20 पर मिनिट। नेक्स्ट देला ESR बा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो सी हूँ 4-10 मिलीमीटर पर आवर। नेक्स्ट देला नॉर्मल स्पर्म काउंट। तो नॉर्मल स्पर्म काउंट है 200-350 मिलियन पर इजाकुलेशन एंड 40-300 मिलियन पर ml। नेक्स्ट नेक्स्ट हूँ फंक्शन ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। तो आप ब्रेन रो डिफरेंट पार्ट रहा तो तार विभिन्न प्रकार फंक्शन आप चार्ट्रे दे दीजिए। तो आम जो देखा फोर ब्रेन आपंकर कौन मिड ब्रेन आपर हिंड ब्रेन तीन टा रहा। तो फोर ब्रेन कथा यदि कह फोर ब्रेन आपर कौन ना ओल्फैक्टरी लोब थाए सेरेबेलम थाए आपर कौन ना आपर डाइनसे आपर डाइनसेफालम थाए। तो आम जी कह सेरेब्रम आपर तीन टा पार्ट्रे फ्रंटाल लोब देन आपर टेम्पोराल लोब देन आपर ओसीपिटाल लोब देन हूँ आपर पेरिएटल लोब ये चार्टे आपर कौन सृष्टि होता है। तो आप यहाँ आपर रहा कौन ना यहाँ गला सेरेब्रम देन हूँ मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन आपड़ी फंक्शन ये देखिए देन हिंड ब्रेन कथा यदि कहवा तो आप देखो सेरेबेलम आपर सेरेब्रम। तो सेरेब्रम कथा यदि कहते पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो आम जब सेरेब्रम हूँ आप कौन ना पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। जदि सेरेबेलम कथा कहवा तो ये पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन यहाँ मन रखिए देन पॉन्स आपर भैरोली देन मेडुला ओब्लोंगा। तो हिंड ब्रेन आपर जेनराली दुटा मेन रोचे गोटे हूँ सेरेबेलम गोटे हूँ मेडुला ओब्लोंगा। तो आम जब देखा हिंड ब्रेन आपर कौन करे ना मेंटेन पोस्चर इक्विलिब्रियम एंड मसल टोन। तो आपर बॉडी रो इक्विलिब्रियम मसल टोन एगुड़ा सब आप बैलेंस रखे देन आपर बैलेंस कंट्रोल करे बॉडी रो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करे। नेक्स्ट हूँ नेक्स्ट देखा आप जो मेडुला ओब्लोंगा रहा तो ये आपर कंट्रोल करे हार्ट बीट ब्रेथिंग मूवमेंट रेगुलेट ब्लड प्रेशर आपर साउलिंग आपर कफिंग स्निजिंग वोमिटिंग। तो आपर मेडुला ओब्लोंगा आप देखिदेवे बहुत इंपोर्टेंट। तो यहाँ टोटाली आम बॉडी रो बहुत ही पार्ट को कंट्रोल करे। नेक्स्ट होती डिजीज एंड डिफेंस मेकानिजम प्रोटोजन डिजीज। तो आप फास्ट प्रोटोजन डिजीज देला। तो आम जो देखा फास्ट मेलेरिया। तो मेलेरिया आपर का द्वारा होता है तो यहाँ हूँ प्रोटोजन डिजीज गोटेला।
तो मेलेरिया आप प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम द्वारा होता है। नेक्स्ट होची आमर आमियोबियासिस, तो आमियोबियासिस कथा यदि कहबा तो सी आपर होता है क्या द्वारा ना आमियोबियासिस आपता है एंटामोइबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देला आपर ग्यारेडियासिस, तो ग्यारेडियासिस आपर ग्यारेडिया लेम्बिया द्वारा होता है। नेक्स्ट होची स्लीपिंग सिकनेस, तो स्लीपिंग आपर स्लीपिंग सिकनेस आपर ट्राइपानोसोमा द्वारा होता है। नेक्स्ट होची आपर लेस्मानिस, तो सेटा आपर लेस्मानिया द्वारा होता है। नेक्स्ट होची ट्रिक्चोमानोसिस, तो एटा आपर होता है क्या द्वारा ना ट्रिक्चोमोनास भाजिनालिस द्वारा होता है। नेक्स्ट आपण देला फंगल डिजीज, तो फंगल डिजीज आपर फास्ट है आपर आस्पेरियो जिलियोसिस, तो ये आपत है आस्पेरियो जिलियोसिस फंजी फंजीटेक देन आम देखा ये आप इम्पोर्टेंट ना आप रही, तो ये आपड़ी फंगल डिजीज पचारा इधर आप रिंग वर्म ही पचार, तो रिंग रिंग वर्म टा आपर रही है क्या द्वारा पाथोजेन हो ट्राइचो फ्लाइटन हो रहा आपर पाथोजेन। तो नेक्स्ट को जी नेक्स्ट हूँ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कहले कौन ना द टर्म इम्यूनिटी रेफर्स टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट टुवर्ड्स इनफेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज पाथोजेन्स एंड देयर प्रोडक्ट। तो देन कहला आप इनेट इम्यूनिटी, तो इट इज द डेवलपमेंट इन एन इंडिविजुअल विदाउट हैविंग ए डिजीज इम्यूनाइजेशन, तो इम्यूनिटी मीन्स आप इम्यूनाइजेशन जनरली प्रिवेंशन वन टाइप आप कहीपरेंगे। नेक्स्ट हूँ आक्वाड इम्यूनिटी, तो आक्वाड इम्यूनिटी है द रेजिस्टेंस अगेंस्ट इनफेक्शियस डिजीज दैट एन इंडिविजुअल आक्वायर्स ड्यूरिंग लाइफ इज नोन एज आक्वाड इम्यूनिटी। तो आप गोटे इंडिविजुअल जितेबाला मैंने आपने बॉडी रे प्रेजेंट थी आपंकर इम्यूनिटी पावर टा, तो सहीटा को आम कही था कौन जेनराली आक्वाड इम्यूनिटी ही कही था। देन हूँ एमिया नेक्स्ट जी देखु नेक्स्ट आप आसतु एटिक आसतु नेक्स्ट हूँ आप देखते एड्स, तो एड्स देला जार फुल फॉर्म होची एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स द फुल फॉर्म। देन एटा आपण जनरली कहा द्वारा होता है ना वायरस द्वारा होता है एच आई वायरस मन रखिए एटा जनरली। देन होची कॉमन हार्ट डिजीज, तो कॉमन हार्ट डिजीज कथा यदि कहबा कोरोनरी आर्टरी डिजीज और आम कहीपर एटा होची कौन ना आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। तो आपर एटा नेक्स्ट आम देखा, तो एटा होची नेक्स्ट देखु एटा आपर नेक्स्ट देला, तो नेक्स्ट आसतु ये बैक्टेरियल डिजीज को आसतु, तो बैक्टेरियल डिजीज तो फास्ट देखिए आम जब आंथ्राक्स, तो आंथ्राक्स आपर क्या द्वारा होता है ना आंथ्राक्स आपर बासिलस आंथ्रासीस द्वारा होता है। तो यहाँ आपर कोलेरा, कोलेरा आप जानते विब्रियो कोलेरा बैक्टेरिया द्वारा होता है। तो बैक्टेरियल डिजीज कौटा वायरल डिजीज कौटा प्रोटोजोआन डिजीज कौटा ये आप मन रखिए। नेक्स्ट आपर एट इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हूँ डिप्थेरिया, तो डिप्थेरिया हूँ आपर कौन ना आपर कर्नी बैक्टेरियम डिप्थेरिया द्वारा होता है। नेक्स्ट हूँ आपर कौन ना आपर नेक्स्ट देखते यहाँ आप लेप्रोसी, तो लेप्रोसी आप बजार, तो लेप्रोसी आपर होता है माइक्रोबैक्टेरियम लैप्री द्वारा होता है। नेक्स्ट हूँ प्लेग, तो प्लेग कथा कह प्लेग आपर तीन प्रकार जनरली, तो आप गोटा हूँ बुबोनिक प्लेग, गोटा हूँ आपर निमोनिक प्लेग, गोटा हूँ आपर कौन ना सेप्टिमिक प्लेग। तो आम जब फास्ट कह तो तार आम कौन ना आपर एक गोटे मान आप गोटे बैक्टेरिया द्वारा होता है, गोटा हूँ आपर कौन ना से बैक्टेरिया ना हूँ आपर जेनेली प्लेगटा आपर क्या द्वारा होता है ना आपर वन टाइप आप माउस, तो यहाँ हूँ आपर पास्टोरियल आपर कौन डाला ना पास्टोरियोला आपर आपर एर्सिनिया पेस्टिस द्वारा होता है। तो यहाँ आपर नेक्स्ट पॉइंट आप नेक्स्ट हूँ टिटानस, टिटानस लग ज, तो यहाँ आपर कौन ना क्लोस्ट्रिडियम टिटानी द्वारा आपर होता है। नेक्स्ट हूँ आपर ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। नेक्स्ट हूँ आपर हुपिंग कफ, तो हुपिंग कफ आपर पेट्रोसिस एटा आपर जेनेली बैसिलस पेट्रोसिस द्वारा होता है। नेक्स्ट हूँ निमोनिया, निमोनिया हूँ आपर डिप्लोकोकस पिनोमिया निमोनिया द्वारा होता है। तो आपर देन टाइफॉइड, टाइफॉइड हूँ साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। देन वायरल डिजीज को आसतु वायरल डिजीज, तो वायरल डिजीज कथा कह एड्स फास्ट आला एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम द फुल फॉर्म होता है एच आई वी द्वारा, तो एच आई वी हूँ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट हूँ चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स आप दुटा आप जहाँ मन रखिए एडवर्ड जेनर को द्वारा होता चिकन पॉक्स कथा यदि कह भेरीसिला वायरस द्वारा होता है चिकन पॉक्स, भेरी ओला वायरस द्वारा होता है स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट डेंगू फीवर, डेंगू फीवर कथा यदि कह आरएनए कंटेनिंग डेंगू वायरस, तो डेंगू वायरस द्वारा होता है। नेक्स्ट हूँ आपर कौन नेक्स्ट है कौन ना एबोला वायरस, एबोला वायरस आपर एबोला वायरस द्वारा होता है जोटा हूँ फिलो वायरस जनरली कही था। हेपाटाइटिस कथा यदि कह हेपाटाइटिस वायरस द्वारा होता है। नेक्स्ट हूँ आप हर्प्स,
हर्ब्स आपर हर्ब्स भाइरस द्वारा होता है। देन इन्फ्लुएंजा जो वन टाइप ऑफ फ्लू सेटा इन्फ्लुएंजा भाइरस द्वारा होता है। देन आपर मिजल्स तो मिजल्स आपर रुबेला भाइरस द्वारा होता है रुबेला। नेक्स्ट हूँ पोलियो पोलियोमाइलिट्स तो पोलियोमाइलिट्स पोलियो हूँ पोलियो भाइरस द्वारा। नेक्स्ट हूँ रैबिज तो रैबिज आपर आरएनए भाइरस कॉल्ड रैबिज भाइरस द्वारा होता है। नेक्स्ट हूँ आपर स्वाइन फ्लू तो स्वाइन फ्लू यहाँ इंपोर्टेंट आप मन रखिए कारण यहाँ हूँ एच वन एन वन फ्लू भाइरस द्वारा होता है एच वन एन वन फ्लू भाइरस। नेक्स्ट पॉइंट आपक्स्ट आपला प्रोटोजोन डिजीज दे आर वेक्टर एंड तो आप प्रोटोजोन डिजीज आप तो आम डिस्कसन प्रोटोजोन डिजीज कले। नेक्स्ट नेक्स्ट आपड़ा तो नेक्स्ट देला देखु फंगल डिजीज इन ह्यूमन बीइंग तो आप जो फंगल डिजीज आपत प्रकार अच्छी ह्यूमन बॉडी रे जोटा होता है तो सेटा चाहिए आप पढ़ी पारे तो आम अलरेडी डिस्कसन कले जी दरकार तो चाहिए आपड़ा पढ़ी पारे तो आम अलरेडी डिस्कसन कले विभिन्न प्रकार भाइराल डिजीज तो टाइप्स अफ डिजीज उपर डिस्कसन कले जोटा कि आपजाम जी आम देखा एक रु दुई नंबर आप आसूसी तो नेक्स्ट क्लास आम डिस्कसन करवा देखो आम डिस्कसन करवा ब्लड पाखर डिस्कसन करवा ब्लड पाखर डिस्कसन करवा। तो आई होप आप भिडियो भल लगे जब भिडियो भल लगी भिडियो गोटे गोटे लाइक करेंगे सांग सहित सेयार करेंगे और चैनल को जब फर्स्ट टाइम पे आसते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू।